अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू अनम स्किन केयर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिब्बत वाइटनिंग फार्मूला। जी हाँ, ये फार्मूला आपकी स्किन को ना सिर्फ वाइट करेगा बल्कि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की ढीठ और ज़िद्दी छाइयाँ हैं, मलाजमा है, एक्नी है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं उनको जड़ से ख़त्म करेगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन को वाइटर करेगा। और अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीरोइड्स को यूज़ करके डैमेज हो चुकी है तो आपकी स्किन को रिकवर करेगा और आपकी स्किन को देगा हेल्दी और ग्लोइंग स्किन। तो जी हाँ, ये क्रीम बिल्कुल नो स्टीरोइड, नो साइड इफ़ेक्ट, बिल्कुल हर्बल क्रीम बनेगी और आपने इसको यूज़ करके मुझे फीडबैक से आगाह करना है। तिब्बत स्नो क्रीम, हर बच्चा बच्चा इसको जानता है, पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और ये क्रीम बचपन से मैं इसको देखती आ रही हूँ, इसकी पैकेजिंग में, इसकी फॉर्मूलेशन में, इसकी सेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये जिस तरह से थी उसी तरह से है। और मज़े की बात यह है कि ये क्रीम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, लेकिन अगर आप इसको दो तीन चीज़ों के साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इसको बनाना किस तरह से। लेकिन उससे पहले जनाब, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना ताकि उनका भी भला हो जाए। सो सबसे पहले आपने 2 टीस्पून तिब्बत स्नो क्रीम लेनी है। तिब्बत स्नो क्रीम ही आपने लेनी है, कोई दूसरी क्रीम नहीं लेनी। एक इसमें कोल्ड क्रीम भी आती है लेकिन आपने वो नहीं लेनी। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है, इसके साथ आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज्ड करता है और इसके साथ आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाता है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह के रैशेज हैं या फिर आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस का शिकार रहती है तो आपने ग्लिसरीन को स्किप नहीं करना, इसको ज़रूर ऐड करना है क्योंकि तिब्बत स्नो ख़ुद एक थोड़ी सी ड्राई क्रीम है और सर्दियां हैं, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन मज़ीद ड्राई हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसमें कोई ग्लिसरीन का ऐड करें। तो हमने इसमें ऐड कर दिया ग्लिसरीन को। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और कोशिश करनी है कि जिस चीज़ में आप मिक्सिंग करें वो कांच का हो, प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में आपने इसको यूज़ नहीं करना और ना ही इसमें मिक्स करना है। उसके बाद हमें चाहिए लेमन। लेमन के आपको 2-3 ड्रॉप्स ही चाहिए होंगे, आपने ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी स्किन के ऊपर इससे इचिंग हो जाती है। तो जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता वो लेमन को स्किप भी कर सकते हैं या फिर विटामिन सी का थोड़ा सा जो है वो सीरम ऐड कर लें या ऑयल ऐड कर लें। तो थोड़ा सा आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो सूट करता है आप वो ऐड कर लें। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि जो विटामिन सी सीरम मैंने घर में बनाया था आपके साथ, मैंने शेयर किया इसको, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, ट्रस्ट मी, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर इसको बनाएं और यूज़ करें। इसके बाद हमने ऐड करना है विटामिन ई का 100 mg वाला कैप्सूल, आपने इसमें ऐड कर देना है। विटामिन ई में बहुत अच्छी सलाहियत होती है आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर और ब्राइट बनाने में। इसके साथ साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो आपने इसको ऐड कर लेना है एक कैप्सूल और उसके बाद आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको किसी भी कंटेनर में सेव करके रख लेना है। इसके बाद आप जब भी इसको अप्लाई करें नाइट में करें ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि दिन में आप काम करते हैं या आप सन में जाते हैं तो सन में आपने इसको यूज़ नहीं करना और ना ही आपने इसको अप्लाई करने के बाद चूल्हे के आगे जाना है क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी सी बैड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है। लेकिन इतना नहीं है कि आपको इसके बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपने इसको अवॉइड करना है धूप में और आग के आगे, इसको बिल्कुल लगा के नहीं जाना।
प्रेफरेबल है कि आप इसको नाइट में ही यूज़ करें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आपको नाइट में बेहतरीन मिलेंगे। आपने 15 डेज़ के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उतनी बना लें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।